के लिए मैं एक्सपोज की वीडियो भर के बना सकता हूँ। तो मैं जेरी की तरह लड़ रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी को एक्सपोज किया हुआ है, कैमरा सामने ट्विटर पे प्रपोज मार दिया, ये सब रहने देते हैं। ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हो तो उससे आपका स्केलिंग में थोड़ा बहुत बन जाएगा। मस्ट है, पढ़ना ही चाहिए, इसके बाद आपकी ट्रेडिंग है वो जबरदस्त इंप्रूव होगी। जिनको हम एफआईआई मानते हैं उनके लिए काम करते थे, मैंने ये दो बार पढ़ी हुई है, तीसरी बार पढ़ने वाला हूँ। अपना खुद का वेरीफाइड पीएनएल लिखा, तू कितना कमाता है, तू है कौन, मुंह क्यों छुपा है। तो आओ यार शुरू करते हैं। सबसे पहले फेक वर्सेस रियल और एक्सपोज की वीडियो बनाने के बाद 3 करोड़ के लॉस वाली वीडियो बनाई थी, पर भर के व्यू आए थे, तो मेरा भी मन तो ललचा रहा था कि ये व्यू गेन करने के लिए, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए और एक बार एक्सपोज की वीडियो भी बना दे, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। टॉपिक भी मेरे पास भरपूर थे, यहाँ पे बाप ऑफ चार्ट है हमारे पास, पुष्कर राज ठाकुर है, फिर बूमिंग बुल्स है, इन सबके लिए मैं एक्सपोज की वीडियो भर के बना सकता हूँ, व्यू भी जबरदस्त मिलेंगे मुझको, पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद सोचा कि नहीं छोड़ो, मितेश सर और विवेक सर जो तो मैं जेरी की तरह लड़ रहे हैं उनके ऊपर बना देता हूँ, या फिर चलो ना बता देते हैं सबको कि जितेंद्र जैन है, उन्होंने बताया हुआ है कि 25,000 लेकर के सब F2F में आ रहे थे, मतलब इलन मार्केट पे जितने भी हमारे पास स्पीकर थे वो सबके सब पैसे दे करके आए थे, और फिर उनको बड़ा पूरा प्रोसीजर होता है कि आपको फिर वेबिनार भी कंडक्ट करने होंगे, वेबिनार लोगे तो आपको पैसा मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट ब्ला ब्ला ब्ला, इसके ऊपर भी भर भर के व्यू मिलते और भर भर के गालियां भी पड़ती। सोचा नहीं उससे भी अच्छा करते हैं, पावर ऑफ स्टॉक की एक स्ट्रेटेजी है 5A में, उसको एक्सपोज करते हैं, जो हर दिन ये सर आकर के बताते हैं कि 5A ये मैंने रोक किया, फाइए मैंने ये कर दिया, दिन का नाम पूछाना सब कुछ, इनकी पूरी स्ट्रेटेजी को एक्सपोज किया हुआ है। हमारे पास एक अरुण करके ट्विटर हैंडल है, वहां पे इंडियन न्यूबी ट्रेडर है, उन्होंने पूरा बैक टेस्ट करके दिखाया हुआ है कि जब से ये स्ट्रेटेजी मार्केट में आई हुई है तब से कितना रिटर्न देकर के गई है। तो देखो 5A में लॉस 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 लॉस, ये तो मैंने कहा बताया हुआ है आपको, ऑप्शन सेलिंग के अंदर इतना बड़ा लॉस दे रही है, अगर आप ऑप्शन बाइंग में देखो तो भूल जाओ कि आपको प्रॉफिट होगा, है ना। तो सेलिंग में फिर भी कभी कभार आपको मिल जाते हैं, लेकिन बाइंग में आपको लॉस पे लॉस देगा, ये पूरा डेटा है, किसी को अगर अच्छा लगे तो जाकर चेक कर सकते हो। फिर से नहीं नहीं थोड़ा मसाला ऐड करते हैं, ट्विटर के ऊपर जो रोमांस चल रहा है इनको कौन नहीं जानता है, दोनों को हम जानते हैं। हमारे पास प्रिया जैन को प्रपोज किया हुआ था कामरा साहब ने, कामरा साहब ने ट्विटर पे प्रपोज मार दिया मैरिज के लिए, ये इंस्टा का आंसर लग रहा है, तो यहाँ पे प्रपोज वाले पे भी वीडियो बनाता तो भर भर के व्यू मिलते हैं। लेकिन फिर सोचा कि चलो छोड़ो ये सब रहने देते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, मतलब रिटेलर्स हमारा इससे क्या बेनिफिट ले सकता है वो करते हैं। तो आज के वीडियो में आज ना ही हम किसी को एक्सपोज करने वाले हैं, ना ही किसी का झगड़ा दिखाएंगे, ना ही कोई मसाला आपको देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस माहौल में जब रिटेल ट्रेडर को सबके ऊपर से भरोसा उठ चुका है, ट्रेडिंग के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, वो रिटेल ट्रेडर अपने एजुकेशन पर्पस के लिए, ट्रेडिंग को सीखने के लिए कौन से रास्ते अपना सकता है। मतलब हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे फेक गुरु आ चुके हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स यूट्यूबर्स हैं जो खुद प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सबको सलाह देंगे, लेकिन कुछ जेन्युइन ट्रेडर्स भी हैं, कुछ चैनल्स भी हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं आज की डेट में आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो निफ्टी प्रेडिक्शन करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका चार्ट एनालिसिस सुपर होता है, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे वीडियोस होते हैं, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। देन मैक ग्रे, इनका एक वीडियो है क्विट ट्रेडिंग करके, अगर आप ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, वो एक वीडियो एक बार देख लेना, आगे आपको बहुत मन कर रहा होगा कि नहीं अभी छोड़ दे ये सब गोलमाल चल रहा है, यहाँ पे सब फेक है, तो इनका एक वीडियो देख करके आना, आप बने रहोगे थोड़े और दिनों के लिए। फिर थीटा गेनर्स, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग सीखना ही है तो थीटा गेनर्स आपको प्रॉपरली लॉजिक के साथ और जमीनी बातें करते हुए सिखाएंगे। अगर आपको मार्केट एनालिसिस का डेटा समझना है तो मार्केट एनालिसिस विद अमित धमेजा का एक चैनल है। देखो इन सबके सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, इन सबके व्यूज ज्यादा नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी ये सब आपको देंगे ना वो रियल ट्रेडर की निशानी है। और एक आपको ऑप्शन बाइंग ही सीखना है कि नहीं मुझे तो सेलिंग वगैरह में पसंद नहीं है, मुझे आज के आज लखपति बन जाना है, तो अबू माधवन का एक चैनल है, इन्होंने सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर ट्रेडर सबसे कोर्स किए हुए हैं, लेकिन उन सबकी अच्छी बातें को कैसे इम्प्लाई किया जाएगा ना वो इन्होंने समझाया हुआ है। इनकी एक वीडियो देख लेना माइंड ट्रेड सेटअप, उससे आपका स्केलिंग में थोड़ा बहुत बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपोर्टेंट रिसोर्सेस निकल करके आ रहे हैं ज़ीरोधा वर्सिटी से, यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, सर्टिफाइड जूनियर ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, ये आपको मस्ट है, पढ़ना ही चाहिए, इसके बाद आपकी ट्रेडिंग है वो जबरदस्त इंप्रूव होगी, इसको जाकर के चेकआउट करो, सारा का सारा मटेरियल फ्री आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पक चुके हो कि आपको ये कोई रास्ता नहीं अपनाना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, तो जो रास्ता दिव्या मित्तल मैम ने सजेस्ट किया हुआ है मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा। ये खुद IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं, IIM से उन्होंने MBA किया हुआ है, ये खुद एक ऑप्शन ट्रेडर थे, जिनको हम FIA मानते हैं उनके लिए काम करते थे, और आज के डेट में IAS ऑफिसर है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितने पावरफुल लेडी है। उन्होंने जो बुक सजेस्ट की हुई है जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सीखना ही सीखना चाहिए, उनके बारे में बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ जल्दी जल्दी जाने देंगे हम क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। टेक्निकल एनालिसिस समझो, उसके लिए आपको जॉन मर्फी की बुक रीड करनी चाहिए, चार्ट ट्रेंड्स प्राइस पैटर्न्स MS और ऑक्सीलेटर्स आपको समझ में आएंगे। मार्क पाइसन की बुक हमारे पास है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, उसके बाद हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, देन हमारे पास है हाउ टू सेल, ये थोड़ी पुरानी बुक है लेकिन इसके अंदर जो नॉलेज आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है, रिटेलर्स देखो मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज मार्केट में थोड़ा बहुत कवर अप कर लेता है, क्योंकि रिटेलर्स सोचता है उल्टा, मार्केट ऊपर जाएगा तो वो सेल मार देता है, मार्केट अगर नीचे है तो वो बाय कर लेता है, लेकिन जब भी ट्रेंडिंग मार्केट आता है तब वो पूरी तरीके से फंसता है। तो ट्रेंड को कैसे कैप्चर करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए आपको दो बुक पढ़नी चाहिए, हमारे पास मार्केट विजार्ड और हमारे पास दूसरी है न्यू मार्केट विजार्ड, ये अगर पढ़ लिए तो आपको ट्रेंड पकड़ने में आसानी होगी।
ट्रेडिंग इन द जोन, इसको कौन नहीं जानता। अगर आप ट्रेडर बनने की सोचे हो तो सबसे पहले ये बुक रीड करना, मैंने ये दो बार पढ़ी हुई है, तीसरी बार पढ़ने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार में समझ में नहीं आता है, बट जब जब आप लॉस करोगे तब तब ये पढ़ोगे तो आपकी ट्रेडिंग वो जबरदस्त इंप्रूव होगी और हर बार आपको नया सीखने को मिलता है जब भी आप इसको पढ़ते हो। अगर आप ठान ये हो कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग ही करनी है तो ये बुक पढ़े बिना छूना भी मत ऑप्शन को। ऑप्शन वोलेटिलिटी एंड प्राइसिंग, ये हमारे पास बाइबल कुरान बोल दो, गीता जी बोल दो, कुछ भी बोलो, ये है। इवन मैं आपको वहां तक बताऊंगा कि मेरी जो यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रेडिंग आर्ट एंड साइंस, वो मैंने यहीं से सीखा हुआ है। तब समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट बुक होगी। जितनी बार आप रीड करोगे उतनी बार आपको नया जानने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ इन्वेस्टिंग की बुक देख लेते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, यह सबको पता होगा। फिर हमारे पास वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, ये भी एक छोटी सी बट प्यारी सी बुक है। और फाइनली हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में आ रही है जो आपको ट्रेडिंग में जानना चाहिए। और फाइनली हमने बहुत गालियां दी हुई है ऑपरेटर को, ऑपरेटर को हमने सीखा हुआ है, समझा हुआ है, लेकिन वो वर्क एक्चुअल में कैसे करता है, ऑपरेटर एक्चुअल में है कौन, उन्होंने कितने मार्केट को बनाया बिगाड़ा हुआ है, वो आपको समझना है तो ये पढ़नी चाहिए। स्टॉक मार्केट ऑपरेटर के ऊपर है हमारे पास एडमिन साहब की बुक है। जब तक आप ये 11 बुक कंप्लीट नहीं करते हो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिंदास मैं बोल रहा हूं, आप फंसोगे। ये करने के बाद आपको पता लगेगा कि आईआईटी आईएम वाले जो ये ट्रेडर्स होते हैं जो एफआईडीआई रख करके बैठे हुए, उनसे टैकल कैसे करना है। दो क्वेश्चन से कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा हुआ है, अपना खुद का वेरीफाइड पीएनएल दिखा, तू कितना कमाता है वगैरह वगैरह। सेकंड, हु द हेल आर यू, तू है कौन, मुंह क्यों छुपाया वगैरह वगैरह। मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा लेकिन सिर्फ दो पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहली बात, मैं आपका सेवक हूं, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मैंने आईआईटी जाम क्लियर किया है, गेट क्लियर किया हुआ है और स्टेट पीएससी क्लियर करके फिलहाल मैं सर्विस में हूं। तो ना मैं अपनी शकल दिखा सकता हूं, ना मैं खुद ट्रेडिंग कर सकता हूं, लेकिन मैं ट्रेडिंग तो करता हूं। मेरे रिलेटिव के अकाउंट और मेरे वाइफ के अकाउंट पर ट्रेडिंग चल रही है मेरी। इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, इसके भी प्रूफ मांगेंगे कि नहीं अपना कॉल लेटर दिखाओ, अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। नहीं भाई, फिलहाल मैं ट्रेडिंग से उतना नहीं कमा सकता कि मेरे अपने जॉब का रिस्क ले सकूं। मुझे ट्रेडिंग से सिर्फ नाश्ते पानी का मिलता है, बाकी मेरा गवर्नमेंट जो भी मेरा घर चला रहा है, तो ऐसा कोई काम मैं करने वाला नहीं हूं। जब करोड़ों मैं भी कमाने लगूंगा, मेरे पास भी ऑडी मर्सिडीज आ जाएगी, तब हो सकता है कि मैं सर्विस को छोड़ करके और कुछ कर लूं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।